देख रहे हैं डीएसडी इस वक्त के बाराबंकी जनपद के थाना क्षेत्र जैतपुर की ग्राम पंचायत बलछट के ग्राम अहिरनपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर इस गांव की निवासिनी कमलावती जी है, जिनके कलावती जी के कोई आल औलाद नहीं थी, इसलिए उनकी जमीन को लेकर के विवाद है। उनके भाई बहन कहते हैं कि हमारे नाम वो लिख करके गई है, वसीयत है, और उनके भतीजे कहते हैं कि हमारे नाम है। इसलिए दोनों लोगों का विवाद चल रहा था, और इसलिए पुलिस ने जो है संपत्ति को कुर कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन आज राजस्व की टीम आई हुई है और पुलिस बल के साथ उस कब्जा को परिवर्तन कराया जा रहा है, जैसा स्थिति बरकरार रखी जाए। मैं यहाँ जानकारी करना चाहता हूँ कि राजस्व टीम आई है, उसका क्या कहना है, किसके आदेश में उसका क्या कहना है। आइए हम आपको अपने दर्शकों को मिलाते हैं। राजस्व टीम से पुलिस फोर्स भी मौजूद है और यहाँ के ग्रामीण भी मौजूद है, और जो है उसका क्या कहना, किस आदेश में आई है, और जो है क्या क्या मामला, कैसे क्या किया है। एक राजस्व टीम है, हम इन अधिकारी से जानना चाहते हैं कि जो है किसके आदेश पर राजस्व टीम आई है और क्या कराया जा रहा है। सर जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम जितेंद्र मिश्रा है। पर क्या है, पर क्या है? मैं यहाँ का क्षेत्रीय लेखपाल। जी सर, जी सर। ये पूर्व में 146 की कार्रवाई हुई थी, उसी को अपने कैमरा से दिखाया कि किस कार्य पे कागज दिखाए, इसकी वीडियो बना दिया, उसे कागज दिखाया क्या उस पर एसडीएम साहब ने वो उसके यहाँ एडीएम साहब के यहाँ से वो जी अच्छा उसको बाद में पहले अलग चल रही है, बात कर लीजिए। उसी की कार्रवाई के प्लस में पुराने जो कब्जेदार थे, अच्छा पुराने कब्जेदार का नाम क्या है जिसको दिया है, हम कब्जे से दिलाया गया है। तो आप यहाँ पे आए हैं तो क्या महोदय के आदेश के अनुपालन में स्थल पर आदेश का अनुपालन कराया गया, तो क्या यह आगे ज्ञान ले जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। और जो इनके मकान में जो पुराना का सामान मिला है तो उसके दावा बिल्कुल छोड़ सकते हैं, जब इनका है। अच्छा, जो यहाँ पे आप आए हैं तो यहाँ पे आने से दोनों पक्षों में क्या सहमति है? सहमत बनाए तो बन सकती है, नहीं जो ये आप न्यायालय के आदेश का सम्मान सबको करना चाहिए। नहीं, तो बात सही है, जो सामान उसमें दिखा गया है तो क्या उसको लिखा पड़ा? अच्छा, ये जो अच्छा जब वो कार्रवाई की गई थी शुरू में तब बिल्कुल हुआ होगा। नहीं, जो आप ये मतलब यहाँ पे कब्जा दिलाने के लिए आए हैं, ये आदेश दोनों पक्षों से पारित हुआ है कि एक पक्ष से पारित हुआ? दोनों पक्षों को सुनते हुए किया गया है, वो कोर्ट का मामला, कोर्ट ने किया जो आदेश किया उसका पालन कराया। इस वक्त जो सामान पड़ा हुआ है मकान में उसको आप लोगों ने कुछ लिखा पढ़ी किया? वो दरोगा साहब ने कर देंगे, उसमें ताला बंद था, उसको ताला खुलवा दिया, ताला केवल खुलवाया गया है, बाकी सामान का सामान कोई भी वाला नहीं, वैसे जो है वही ऐसे रखा हुआ है, जहाँ पे रखा जो सील था वैसा ही सील मिला, उसको सील खुलवाया गया बस। कुछ सामान की जिम्मेदारी किसकी होगी? किसी की नहीं, उसमें सामान जैसे मान लीजिए किसी की, जैसे मान लो इनका कोई करा दिया गया है। अच्छा, क्या जो है ये जो पहले से कह रहे थे हमारा भी इसमें हक है कुछ है, तो क्या इसके लिए अपील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अगर इनके पक्ष में भी कोई का है। जो राजस्व टीम आई है, राजस्व टीम का कहना है कि आज इनके पक्ष में कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसका अनुपालन करने के लिए आए हैं, और ये इस मामले को अगली अदालत में पेश कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। जब इनके पक्ष नहीं रहेगा तो हम लोग स्वयं आकर के मौके पर हैं, इनका कब्जा परिवर्तन कराएगी, जैसा भी होगा कोर्ट का आदेश, कोर्ट का आदेश दोनों पक्ष भी पालन करेंगे और राजस्व अधिकारी भी पालन करेंगे। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ, डीएस न्यूज़ बाराबंकी।